आज गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी हम सबके बीच में नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर जी का हम सबके बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बचपन से एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। देश के रक्षा मंत्री नाते देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने कुशल प्रशासक के परिचय देशभर को दिया। How is the Jewish? So I will transfer my Jewish to you. एक बहुत ही दुखद समाचार है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी ने जो उत्कृष्टतम सेवाएं इस देश को दी हैं वह सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले एक सच्चे देशभक्त थे। सार्वजनिक जीवन में रह करके सादगी पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण श्री मनोहर पर्रिकर जी थे। गोवा के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी का आज दुखद निधन हुआ। ये हम सभी के लिए
बहुत ही दुखद इस प्रकार का समाचार है। मनोहर पर्रिकर जी एक उच्च शिक्षित लेकिन जनता के नेता थे, जन सामान्यों के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। वे भारत माँ के सच्चे सपूत थे। गोवा के राजनीति में उन्होंने राजनीति का एक नया स्तर कायम किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, उनके कार्यों को गोवा कभी भुला नहीं सकता। गोवा में जिस समय आयाराम गयाराम की राजनीति चलती थी और लगातार सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप होते थे, ऐसे समय एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गोवा को एक स्थायी सरकार तो दी, लेकिन उसके साथ साथ एक पारदर्शी और काम करने वाली सरकार दी। आधुनिक गोवा के निर्माण में मनोहर जी का जो योगदान है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। पर्रिकर जी की अचानक और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा। मनोहर पर्रिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी, जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए। शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूर्ण सहानुभूति उनके पूरे परिवार के साथ। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? सो आई विल ट्रांसफर माय जोश टू यू।